आज मैं आपको एक नया शेयर ढूंढ के आपके लिए लाया हूँ, वो जस्ट डायल है। इन दिनों जस्ट डायल में थोड़ी सी गिरावट देखी जा रही है और फ्राइडे के मार्केट में 28 सितंबर को वो ओपन तो 505 पे हुआ था, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 505 पे ओपन हो रहा है, लेकिन वो जो लो बनाते इसमें उसने 458 का भी लो बना दिया है। तो ये इसके लिए अच्छा नहीं है, करेक्टर अच्छा नहीं है। तो ये इन दिनों इसमें चांसेस है कि इसमें फिर से फर्दर गिरावट आपको देखने मिल सकता है। इस शेयर को अगर इस शेयर की चार्ट की लास्ट 3 महीने की चार्ट की बात करें तो हम आप देखेंगे ये चार्ट में आप भारी गिरावट आपको लास्ट 2 जुलाई से देखिए ये कैसे ये गिरते हुए जा रहा है, और कल इसने अपने 500 को भी तोड़ दिया है। इसका जो 300 डेमा था, 200 जो डेमा होता है, 200 मूविंग एवरेज डेज जो होता है, वो 511 था, उसको भी इसने तोड़ दिया है। इसके कारण हो सकता है इसमें एक भारी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, और मैं इसके लिए एक छोटा सा एजुकेशनल पर्पज़ से ये वीडियो है, अब छोटा सा एक आपको फिर से इसमें एक कोशिश करूँगा कि आपको एक पुट के थ्रू इसको ट्रेड करने के लिए मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप इसको पुट के थ्रू ट्रेड करते हैं तो एक अगर आप इसका पुट एक रजिस्टर आप इसका पुट लेते हैं, यहाँ पे देखिए पूरा पुट चैनल हिसाब, ये भी देखिए कि यहाँ पे पुट की साइड में जो 400 जस्ट डायल का पुट है, ये जस्ट डायल का पुट है, तो ये पुट साइड में देखेंगे तो आपको अच्छी खासी यहाँ पे गेन देखने को मिलेगी। चाहे आप किसी भी रेट पे अगर फ्राइडे को अपने लिया होता तो आपको फ़ायदा होता। मैं मंडे ओपनिंग के लिए आपको, अगर आप 450 का पुट लेते हैं, अगर आप 450 के पुट की ओर जाते हैं तो आपको लास्ट ट्रेडिंग प्राइस यहाँ पे दिखने को मिलेगा 23 रुपया, और इसकी जो लॉट साइज है वो 1750 की है, 1400 की लॉट साइज है ये, आपको वो भी मैं दिखाता हूँ, इसकी लॉट साइज भी देख लीजिए आप, यहाँ पे 1400 भी है और यहाँ से नहीं तो आपको एक आप यहाँ से भी इसकी लॉट साइज को देख सकते हैं। तो 450 का अगर आप लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे 1400 का लॉट साइज है इसमें, तो 1400 का लॉट साइज जो कि उस दिन भी 22 से 26 के रेंज में खुला ट्रेड किया था, ओपन 9 पे हुआ था, ओपन 9 पे हुआ और क्लोजिंग जो जो हुआ है ये हुआ है आपको लो 22 और 30 के हाई 32 तक गया है ये, और अपने 22 लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसकी जो थी 23.50 पे इसने क्लोजिंग दिया है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23.50 थी। तो अगर आप वापस इसको इसमें रहते हैं, बने रहते हैं 23.50 में, तो कोई इशू नहीं है, ये फर्दर आपको यहाँ से 10 पॉइंट और दिखा सकता है। और अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो इसी के अगर आप 400 के पुट को लेंगे, और अभी बार ट्राई कीजिए इसको 400 के पुट को पेपर ट्रेडिंग कीजिए, आप 13 रुपये पर मिल रहा है, तो आप इस लीजिए जो कि यहाँ पे देखिए तो ये भी 1400 का लॉट साइज है और आपका यहाँ पे 13 रुपये की क्लोजिंग दिया है, और बेस्ट आस्क प्राइस जो है वो 1330 का है, तो 1330 पे बिड, या आप 1140 पे लोग बिड खड़े हैं तो आप 12 रुपये का बिड लगाइए इसमें अगर लेते हैं, और 1400 तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, आपका लगभग इन्वेस्टमेंट आता है 1400 × अगर आप करते हैं 12 रुपये भी लेते हैं तो 16800, और यहाँ से आप 7 से 8 रुपये का गेन तो आराम से देखेंगे, तो 1400 × 7 रुपया 9800 का गेन आपको श्योर शॉट मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता इसको, इसमें भी आप 200% की गारंटी है, ये आपको मंडे के दिन ये आपको इतना प्रॉफिट दिखाएगा ही दिखाएगा। फिर भी डिस्क्लेमर है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर इसके बारे में बात करें लेने के पहले, बेहतर होगा आप पहले एजुकेशन पर्पज़ के लिए पेपर ट्रेडिंग करें, अगर आपको इस चैनल पर विश्वास हो जाएगा और आपका काम करेगा तो आप आगे भी इस पर रिलाय करके चैनल पे काम करेंगे, आप देखेंगे। रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नीचे दिए सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, तो मैं और भी आपके लिए अच्छी मेहनत करके और भी अच्छी अच्छी वीडियो कोशिश करके लेके आऊँगा आपको। धन्यवाद।